गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो आज जो आपका टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूटर और अनडिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको LR से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। लॉजिकल में मैंने आपको स्क्वायर कंप्लीट करा दिया है, स्मूड एंड फिगर कंप्लीट करा लिए हैं। ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट सेटअप कर दी है आप सभी के लिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से दे दूंगी, ठीक है? सो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको PDFs वगैरह शेयर करती रहती हूँ और क्विज़ेस वगैरह के बारे में बताती रहती हूँ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को समझने के लिए, सॉरी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को समझने के लिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको AEIO रूल के बारे में बताया था, राइट? अब अगर मैं एक ही बात करती हूँ, दिस इज योर ऑल, दिस इज योर नो, दिस इज योर सम एंड दिस इज योर सम नॉट, राइट? चलिए अब बात करते हैं इसमें जिसमें कि फॉर्म्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर ए ए को हम ऑल कहते हैं, आई को हम सॉरी ई को हम नो कहते हैं, आई को हम सम कहते हैं और ओ को हम सम नॉट कहते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा ऑल होता है, ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दिस इज योर यूनिवर्सल नेगेटिव, दिस इज योर पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड दिस इज योर पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पर ही मैंने ये चीज़ कम्प्लीटली आपको बताई हुई है। अगर मैं ऑल की बात करती हूँ गाइज, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो चीज़ आप समझ जाओ कि जिसमें आप उस जिसको आप वेरीफाई कर पाओगे और जिसको आप एक तरीके से वैलिड मान पाओगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ ऑल SRP, तो यस सारे SP हैं, लेकिन क्या PS हैं? नहीं, ठीक है? तो सारे SP हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूट में रहेगा, मतलब सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में रहेगा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ प्रिडिकेट को, ठीक है, अब सारे SP हैं लेकिन PS थोड़ी है, ठीक है, तो वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड में चला जाएगा। मतलब अगर मैं प्रिडिकेट के हिसाब से बात करती हूँ तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड में जाएगा, और अगर मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बात करती हूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड में जाएगा। अब आप इस टेबल को या तो लर्न कर सकते हो या फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हो, ठीक है? तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लर्न मत करो, आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। जैसे कि ऑल SRP, सारे SP हैं बट सारे PS नहीं है, तो सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, प्रेडिकेट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। अब हम बात करते हैं नो, सारे नो सारे SP नहीं है, है ना? सारे SP नहीं है, तो सारे SP नहीं है ये वैलिड हो गया, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि प्रिडिकेट भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी तो मेंशन हो रहा है, जब सब्जेक्ट प्रिडिकेट नहीं है तो प्रिडिकेट भी तो सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो मतलब नो के केस में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ या फिर प्रिडिकेट की बात करती हूँ। आई के केस की बात करते हैं, सम सम एस इज पी, ठीक है, सम एस इज पी, तो सम का मतलब होता है कुछ, राइट? सम का मतलब होता है कुछ। अगर मैं ये कहूँ कि सम कुछ पार्ट, ये वाला, अब देखो हमें नहीं पता कि कितना सब्जेक्ट प्रिडिकेट है और कितना प्रिडिकेट सब्जेक्ट है, तो जहां पर भी हम सम की बात करते हैं तो सम मतलब हम श्योर नहीं है, हमारा श्योरिटी नहीं है कि कितना पार्ट है, ठीक है? तो इसको भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रखना है, मतलब सब्जेक्ट भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रहेगा और प्रिडिकेट भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रहेगा। रीजन इज कि सम को आप मतलब क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो कितना क्वांटिटी क्या कुछ ऐसा नहीं होता है, सम मतलब कुछ, अब कितना कुछ ये नहीं आपको पता है, तो वही चीज है, इसलिए हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोबारा से, सम एस इज नॉट भी आ गया, सब्जेक्ट के साथ में है सम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया, सम में आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड मानोगे, तो दैट मीन्स अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और नॉट, नो में हमने क्या माना था, चाहे मैं सब्जेक्ट की बात करूँ चाहे प्रिडिकेट की बात करूँ, तो नो मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रिडिकेट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये टेबल क्लियर है, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बता देना, सो दैट मैं दोबारा से आपको फिर इसको समझा पाऊँ, ठीक है? अगर आप मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को समझना चाहते हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मेजर टर्म फेलेसी,
ठीक है, मेजर टर्म फेलेसी, एक होता है माइनर टर्म फेलेसी और एक होता है आपका, अब फेलेसी क्या होती है, हम फेलेसी ही समझ रहे हैं ना, फेलेसी मतलब कोई ना कोई एरर, ठीक है, ये हो गया फेलेसी एंड मिडिल टर्म फेलेसी, तो तीन फेलेसीज को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेजर माइनर एंड मिडिल की, तो मेजर टर्म और माइनर टर्म के बाद की अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में सेम ही रूल्स फॉलो होते हैं, यहाँ पर सेम रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म फेलेसी की बात करती हूँ तो इसमें डिफरेंट रूल फॉलो होते हैं, ठीक है, अब वो कौन कौन से रूल हैं आपको पता होना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेजर की अगर मैं बात करती हूँ तो मेजर को हम प्रिडिकेट कहते हैं, पता है ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था आपको, मूड एंड फिगर में मेजर टर्म को हम प्रिडिकेट कहते हैं, ठीक है, माइनर टर्म इज योर सब्जेक्ट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर इस केस की बात करती हूँ, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म की बात करती हूँ, मतलब सब्जेक्ट और प्रिडिकेट की बात करती हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली हम मेजर टर्म के कुछ रूल्स की बात बारे में बात करते हैं और माइनर टर्म के कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, तो यस गाइस, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है तो यस देयर इज नो फेलेसी, कोई भी फेलेसी इसमें नहीं होगी, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक बड़ा टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक स्मॉलर टर्म, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं बस ये रूल्स आप लोगों को समझो कहाँ पर यूज करना है वो हम आप भी बताऊंगी मैं, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है मतलब छोटे से छोटा पॉसिबल है, तो यस यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, नो फेलेसी, ठीक है, यहाँ पर आप एरर नहीं मानोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अगर मैं ये कहूँ डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है मतलब बड़े से छोटा पॉसिबल है, तो यस ऑफ कोर्स, तो अभी यहाँ पे भी नो फेलेसी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ पॉइंट में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये छोटा पॉइंट है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड मैं पॉसिबल कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैं निकाल रही हूँ सो देयर इज अ फेलेसी, यहाँ पर कोई एरर है, यहाँ पर फेलेसी आएगी, खुद सोचो आप छोटे से बड़े पॉइंट को निकाल सकते हो, नहीं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आप स्टेट कोई भी, अगर मैं हिमाचल की बात करती हूँ, हिमाचल प्रदेश से आप पूरा इंडिया निकाल सकते हो, नहीं, इंडिया से आप हिमाचल प्रदेश निकाल सकते हो, ठीक है, इंडिया है पूरा, अब उसमें से आपने हिमाचल प्रदेश निकाला तो वही चीज है, छोटे से बड़े को हम नहीं काउंट कर सकते, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो यहाँ पर फेलेसी आ जाएगी, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहाँ पर फेलेसी के चांसेस होते हैं और वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड से सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं ये आपके सेम रहेंगे मेजर और माइनर में, अब वो लगाना कहाँ पर है मैं भी आपको बताऊंगी, बस इतना इतना समझते जाओ जो जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब हम मिडिल टर्म फेलेसी की बात करते हैं, मिडिल टर्म आपको पता है कि हमेशा हमारे प्रिमाइसेस में होते हैं मिडिल टर्म, ठीक है, कभी भी कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता है, प्रिमाइसेस में वो मिडिल टर्म जो कि दोनों में ही कॉमन है उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का ये बात होती है कि हमें दोनों ही प्रिमाइसेस में, क्योंकि दो प्रिमाइसेस होते हैं, दोनों ही प्रिमाइसेस में मुझे क्या चाहिए, मतलब अगर दोनों ही प्रिमाइसेस में से अगर एक वन वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया सो देयर इज नो फेलेसी, देयर इज नो फेलेसी, यहां पर कोई फेलेसी होगी ही नहीं, राइट। सिंपल सी बात है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए तो फेलेसी नहीं होगी, और हाँ अगर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो फॉर्स फेलेसी होगी, ठीक है, सो अगर दोनों ही प्रिमाइसेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो देयर इज अ फेलेसी, ठीक है, यहाँ पे फिर फेलेसी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पे, ठीक है, क्वेश्चन पे हम कैसे लगाएंगे इसको, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको ये पता है प्रिमाइस वन है, प्रिमाइस टू है और ये कंक्लूजन है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मेजर टर्म फेलेसी को फाइंड आउट करो, मेजर टर्म यहाँ पर क्या है, वेम्पायर्स, ठीक है, वेम्पायर्स आपकी फर्स्ट वाले प्रिमाइसेस में आ रहा है, ठीक है, राइट।
अब यहाँ पर अगर मैं नो के केस की बात करती हूँ, नो का सब्जेक्ट, ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ ना, ये प्रिडिकेट हुआ। नो का सब्जेक्ट क्या होता है? नो का सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रिडिकेट क्या होता है? ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहले तो आपको ये सब लगाना होगा जो मैंने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था, ये वाली स्लाइड में बताया था ना कि भाई नो, नो में क्या होता है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने यही कर दिया, यहाँ पर भी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी यहाँ पे नाइस पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम के केस में क्या होता है, सम में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सम का प्रेडिकेट और सम का सब्जेक्ट, दोनों ही आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सम यहाँ पर आप देख सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर नॉट है, तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है क्या ये वैलिड है और इनवैलिड है, मतलब इसमें एरर है या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं वेम्पायर, यहाँ पर भी वेम्पायर है, ठीक है। अब इस चीज को देखो आप, इसका जो वेम्पायर वाला पॉइंट था, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, मतलब मेजर टर्म वाली फैलेसी है या नहीं है? नहीं है, मतलब मेजर टर्म वाली फैलेसी तो है नहीं, मेजर वाली नहीं होगी, क्योंकि मेजर में डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करती हूँ माइनर टर्म वाली फैलेसी को, यहाँ पर सम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को देखना है ना, मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है माइनर टर्म में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है माइनर टर्म में। हमने पढ़ा था बस एक में ही फैलेसी होती है अगर छोटे से बड़े में जाए, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है तो फैलेसी होगी, अदरवाइज किसी भी केस में फैलेसी नहीं होगी, तो फैलेसी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कोई फैलेसी नहीं है, मतलब माइनर में भी, मतलब सब्जेक्ट में भी कोई फैलेसी नहीं है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है, नाइस पीपल, ये वाला मिडिल टर्म कॉमन है ना ये दोनों, ठीक है, क्योंकि हम प्रिमाइसेस में देखते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने क्या बताया था कि एटलीस्ट आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो देयर इज नो फेलेसी, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म वाली फैलेसी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ठीक है, मिडिल टर्म को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ एक चीज, मेजर टर्म वाली को हम एलिसिट मेजर भी कहते हैं, एलिसिट मेजर, एलिसिट माइनर, ठीक है, एलिसिट मेजर, एलिसिट माइनर, राइट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल भी कहते हैं मिडिल टर्म वाली को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है ये, ठीक है, बस अलग अलग नेम्स हैं दो। तो अगर मैं इसको कहूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक अन है, तो इसका मतलब एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसका मतलब मिडिल टर्म भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वैलिड, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है। ये आपको इसलिए, ये वैसे आप लोग ना इससे भी कर सकते हो, सिलॉग से भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेजर टर्म है, माइनर टर्म है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, तो उस केस में फिर आपको पता लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल के केस की बात करते हैं, तो अगर मैं ऑल एथलीट्स इवोल्यूशनरिस्ट की बात करती हूँ, तो ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड और सब प्रेडिकेट हो जाएगा अन। सबसे पहले आप ये सब लिख लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सम है ना, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जरा आप मेजर टर्म वाली फैलेसी को देखो, एथलीस्ट और एथलीस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, तो यस है, डेफिनेटली है, मेजर टर्म फैलेसी नहीं होगी। माइनर टर्म की बात करते हैं बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ठीक है, सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मेजर टर्म वाली फैलेसी भी नहीं है, क्योंकि अन से अन आ सकता है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म वाली फैलेसी इवोल्यूशनरिस्ट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ फैलेसी होगी, यस होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता तो यहाँ पर कोई फैलेसी नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर सम है ये आपका अन हो गया, नॉट है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ऑल है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, नो है डिस्ट्रीब्यूटेड और ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, बताइए भाई। अभी हम लेजी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अन से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, यस आ सकता है, तो एलिसिट मेजर वाली फैलेसी, बताओ होगी या नहीं होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, बताओ भाई,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, याद आया हमने बताया था कि उस केस में नहीं होगा, छोटे से बड़ा नहीं आता है, तो देर इज अ फेलेसी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेजर टर्म फेलेसी आ गई आंसर में, बाकी को भी चेक कर लो एक बार, ठीक है। माइनर टर्म की बात करते हैं, हाई अचीवर्स, हाई अचीवर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है तो यस है, मेजर टर्म, माइनर टर्म वाली फेलेसी नहीं आएगी, ठीक है। मेरिट टर्म वाली फैलेसी की बात करते हैं, लॉजिक लॉजिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड से और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो भाई मेरिट टर्म वाली भी नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ पर इलिसिट मेजर वाली फैलेसी होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और मुझे आप लोग फाइंड आउट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी की जो भी क्लासेस होंगी वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी रिकॉर्डेड में, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये छोटा सा एक टॉपिक था और मैं कल भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि आपका वेस्टर्न फैलेसी का टॉपिक शुरू करूँ, क्योंकि वेस्टर्न फैलेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच।